से पहले यहाँ कोई आ रहा है तो पहले उसको जाने देना है, फिर हमको बाद में निकलना है। आप जाने को तो कैसे भी दवार पे आप गाड़ी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ तरीका होता है उस तरीके से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? क्या आप सब बढ़िया होंगे? आप लोगों के सवाल पे और आप लोगों की फरमाइश पे मैं आज का वीडियो लेके आ रहा हूँ। दवार के ऊपर गोल चौराहा जो होता है उसको यहाँ पे दवार बोलते हैं कुवैत में, तो इस पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। कई लोग बोल रहे थे कि कई भाई का कमेंट भी आया था कि दवार पे किस तरह से हमको निकलना चाहिए, कि यू टर्न कैसे लेना है, लेफ्ट कैसे जाना है, सीधा कैसे जाना है और राइट में कैसे जाना है। तो ये सब चीज़ें जो नए लोग हैं उनको मालूम नहीं है तरीका क्या, वो चाहे इंडिया में हो या कहीं गल्फ कंट्री में आप हो, सब जगह का एक ही सेम तरीका है यू टर्न करने का या लेफ्ट राइट जाने का सेम तरीका है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ बताने वाले हैं कि दवार पे आप बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से कैसे आप दाएं बाएं या सीधा या आपको यू टर्न करना है किस तरह से कर सकते हैं। इसमें नए लोग और पुराने लोग जो है कभी कभी वो भी फंस जाते हैं, उसके कानून नहीं मालूम होते हैं किस तरह के हैं, तो इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रास्ते में और देखते हैं किस तरह सा उस पर यू टर्न करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। तो सामने देख रहे हो दवार आ रहा है, तो दवार पे आज सबसे पहले मैं बताऊंगा राइट लेने का तरीका क्या है। राइट लेने से आपको पहले जो है आपको राइट वाली लाइन में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे तीन लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे राइट में आपको आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गिव अवे, यहाँ पे आके आपको हल्की सी ब्रेक लेना है और लेफ्ट में अपने देखना है कि कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही। अगर लेफ्ट में कोई भी गाड़ी नहीं आ रही तो आप राइट में ही रहिए, बिल्कुल राइट वाली लाइन में रहकर कुछ इस तरह से आप राइट टर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दवार पे राइट लेने के बाद। अभी हम बताएंगे आपको सीधा कैसे जाना है। तो देखिए अभी हम दवार के पास आ चुके हैं और यहाँ से हम सीधा जाएंगे दवार पे। तो आप जाने को तो कैसे भी दवार पे आप गाड़ी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ तरीका होता है उस तरीके से गाड़ी निकाली जाती है। देखिए अभी हमको सीधा जाना है तो हमको इस तरफ लेफ्ट में नहीं रहना है, हमको इस लाइन पे रहना है और यहाँ आके यहाँ पे रुकना है। रुकने के बाद हमको लेफ्ट में देखना है तो गाड़ी नहीं, तो इस लाइन पे आप रहिए। देखिए यहाँ से आप राइट भी जा सकते हो और सीधा जाने के लिए आप इस लाइन पर रहिए और यहाँ आके आप इंडिकेट कर दीजिए, अपना इंडिकेटर जला दीजिए और इंडिकेटर ऑन करने के बाद आप देखिए इस तरह से राइट में आ जाओ। ठीक, आप उस लाइन पे भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो। तो लेफ्ट लेने के लिए हम देखिए सबसे लेफ्ट वाली लाइन पे हैं। ठीक है, आपको इस तरह से लेफ्ट वाली लाइन पे आ जाना है और यहाँ पे देखिए व्हाइट पट्टी दिख रही होगी, यहाँ पे रुकना है। रुकने के बाद आपको लेफ्ट में देखना है, देखिए ये गाड़ी आ रही है। ठीक है, और इंडिकेटर बाएं का दे देना है हमको। अब ये गाड़ी निकल गई, उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे होना है इस तरह से, इंडिकेटर लेफ्ट का जलना चाहिए। ठीक है, आपको राइट में इधर नहीं जाना है, ये सर्कल जो है इधर ही रहना है और जैसे ही यहाँ पहुँचोगे ये रास्ते के पास आप राइट इंडिकेटर देके स्टेयरिंग अपनी सीधी कर लो। ठीक है, जैसे राइट वाले लाइन पे पहुँचो रास्ते पे आप स्टेयरिंग सीधी कर लो, बहुत ही आसान तरीका है। छोटा सा आ रहा है, इस पर हम यू टर्न करके बताएंगे। तो यू टर्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस लेफ्ट वाली लाइन पे आ जाना है, मैंने थोड़ा नज़दीक से आके किया, और आने के बाद यहाँ पे रुकना होता है और रुक कर इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट में, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो सीधा चलना है और लेफ्ट का इंडिकेटर दे देना है और बाएं साइड में ही रहना है। ठीक है, दवार के बाएं साइड में ही रहना है और कुछ इस तरह से देखिए पूरा सर्कल आपको घूमना है, ये देखिए पूरा सर्कल। उसके बाद यहाँ आके आपको राइट इंडिकेटर दे देना है और राइट इंडिकेटर देने के बाद आपको यहाँ से स्टेयरिंग सीधी कर लेनी है, जैसे मतलब गौर सर्कल जो है आपका खत्म होता है राउंड, वहां से आपको स्टेयरिंग सीधी करते हैं और इंडिकेटर देना बहुत जरूरी है। तो देखिए कितना बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो हो गया। और दवार का एक और नियम बता दूं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, दवार का मतलब होता है यहाँ का नियम ये है कि अगर आप हम रोड क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे तो हमको यहाँ पे रुकना है, अगर हमसे पहले यहाँ कोई आ रहा है तो पहले उसको जाने देना है फिर हमको बाद में निकलना है। यानी दवार का नियम क्या है, कानून, कि जो दवार के अंदर सर्कल के अंदर जो पहले आ गया वो पहले जाएगा, अगर हम बाद में आ रहे हैं आके हमको उस एंट्री जो होती है जहाँ पे वहाँ पे रुकना है और अगर वो पहले वाला निकल जाए उसके बाद में हमको जाना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करते हो वो भी आ रहा है आप भी घुस रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगर उस टाइम एक्सीडेंट हुआ
तो आपके 100% आपकी गलती मानी जाएगी, आपके साथ जुर्माना फाइन पड़ेगा और गाड़ी वगैरह भी बनवा के देना पड़ सकता है, ये दिक्कत हो जाती है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छे से हमने सही तरीके से बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है, ताकि आप सबको जो नए हैं या पुराने हैं जिनको नहीं तरीका पता उनको अच्छे से समझ में आए। तो फिलहाल अभी हम वहाँ से वापस आ चुके हैं, जा रहे हैं रूम पे। और तो ये होता है द्वार पे लेफ्ट राइट सीधा जाने का तरीका। तो द्वार पे भी बहुत सारे नियम होते हैं, आप उनको फॉलो करिएगा तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, नहीं तो अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो जो अगर उस बीच में अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो सारी की सारी गलती जो है वो आपकी मानी जाएगी और आपको सामने वाले की गाड़ी भी बनवाना पड़ेगा और जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फाइन पड़ेगा सो अलग। तो द्वार पे ये मत सोचें द्वार है गोल चौराहा कैसे भी निकल जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। जो सर्कल में मैंने बताया ना कि जो सर्कल में पहली बार वो पहले घुसता है अंदर एंट्री करता है उसको पहले निकलने की इजाज़त दी होती है कि उसको पहले निकलने दो, उसके बाद आप निकलें जो है, ठीक है। तो ओके, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी अपने दोस्तों को भी पहुँचाएँ जो आने वाले हैं या जो गाड़ी सीख रहे हैं उन तक ये पहुँचाएँ, ताकि सबको जानकारी पहुँच सके। तो चलिए किसी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, जय।